नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन में। बहुत बड़ी खुशखबरी आई है हम सभी 9th और 11th वाले भाइयों के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशखबरी, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सीबीएसई का अभी तुरंत अपडेट आया है, 1 अप्रैल का अपडेट आया है। इस अपडेट को हम लोग देखेंगे तुरंत। इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि जो हमारे भाई लोग 9th वाले हैं, 11th वाले हैं, ये इनको प्रमोट किया जाएगा पिछले रिकॉर्ड के बेस पे। ये सारा एज पर कंप्लेंट फॉर द न्यू सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, सीधे सीधे कहा गया है कि कोरोना की वजह से 19th 3 2020 से लेकर के 31st 3 2020 तक के सारे एग्जाम्स नहीं हो पाए हैं क्योंकि हमारे देश में COVID-19 का प्रकोप था। नीचे इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लास 1st से 8th के लिए है, उसमें लिखा गया है कि जितने बच्चे क्लास से 1st और 8th वाले हैं सारे बच्चों को सीधे सीधे प्रमोट करना है, उसमें कोई इफ और बट नहीं है। और जितने भी हमारे भाई लोग 9th और 11th वाले हैं जो हमसे बार बार लगातार कई दिनों से फोन कर पूछ रहे थे, सर हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, तो आज आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों के लिए सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन आ गया है कि आपके पिछले रिकॉर्ड के बेस पर सीधे सीधे जान लीजिए। स्कूल देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है ऑल सच स्कूल्स आर एडवाइज टू प्रमोट स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड्स 9th and 11th टू बी द नेक्स्ट ग्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द स्कूल बेस्ड असेसमेंट इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट वर्क। ध्यान से देखिए, प्रोजेक्ट वर्क पीरियोडिक टेस्ट, टर्म टेस्ट एक्सेट्रा कंडक्ट सो फॉर फॉर एनी चिल। मतलब क्या हो रहा है कि सबको पास करना, मतलब जो भी आपके इस टीचर की अथॉरिटी है वो क्या करेंगे, आपके स्कूल वाले आपको पास करेंगे आपके प्रोजेक्ट और जितने भी आपके पीरियोडिक टेस्ट हुए उसके आधार पे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हम लोगों के बीच, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हम लोगों को अगले हम 9th वाले और 11th वालों के लिए जो लोग थोड़ा सा एकेडमिक कम कर पाए हैं वो क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। और सीधे नीचे देखिए लिखा है क्लियर दिस इंटरनल प्रोसेस इफ एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ द स्कूल मे यूटिलिटी दिस पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग रिमेडियल इंटरवेंशंस एंड स्कूल्स मे गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ अपियरिंग इन स्कूल बेस्ड टेस्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। मीन्स मान लीजिए अगर टीचर को अगर आपके ये लग रहा है, स्कूल को ये लग रहा है कि ये बच्चा तुम नहीं वो कर पाएगा, बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपके स्कूल में एक ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई एग्जाम कंडक्ट हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग वो आपको पास करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि अब सब आप लोगों पर मेहरबान है, NCERT मेहरबान है, CBSE मेहरबान है, आप सब लोगों को अगले क्लास में पहुंचना है और अगले क्लास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और नेक्स्ट पॉइंट में जो लेटर दिया गया उसमें यह भी बताया गया कि कौन कौन से पेपर छूटे हैं, जो पेपर छूटे हैं वो आप लोगों को बताया जाएगा, 10 दिन बाद बताया जाएगा। यहां पे है कि कितने पेपर किसके छूटे हैं, जो पेपर जितने जिसके जिस पेपर कंडक्ट नहीं हो पाए हैं वो CBSE सीधे कह रहा है कि जैसे ही कुछ भी राहत रिलीज आता है वो क्या करेगी, तुरंत आपको 10 दिन के आसपास आपको बताएगी। जिसमें सबसे बड़ी बात अभी सामने जो हम लोग इन्फॉर्मेशन वो मिल रहा है कि 9th और 11th वाले पास हो जाएंगे। फटाफट इसको आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, तुरंत शेयर करिए, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको YouTube पे जानकारी देने वाला आपका अपना चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु है। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए बिल्कुल आप तुरंत संपर्क करिए हमसे, हम आपके साथ हैं, किसी भी जानकारी से रिलेटेड हम तुरंत आपकी मदद करेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद, आपके छोटे भाई आशुतोष की तरफ से धन्यवाद।